हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो ये वीडियो है सोमवार के दिन का, मॉर्निंग के टाइम से ही, सुबह के टाइम से मैं वीडियो शुरू की थी। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग और बड़ों को नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। और आप सभी कैसे हैं जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। उम्मीद तो यही करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली एकदम अच्छा से होगी, बढ़िया होगी और मैं भी ठीक हूँ, हम सब ठीक हैं, पूरा फैमिली ठीक है। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, थोड़ा सा झाड़ू में लगा दी हूँ और उसके बाद ना मैं झाड़ू लगाने के बाद जैसे फ्रेश वगैरह होने के बाद झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा एक गिलास बैठ करके तसल्ली से एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ और अब मैं बना रही हूँ खाना। और सुबह जब उठी तो देखी तो फिर मंडे को भी बारिश हो ही रही थी और मैं रात में ही एक दिन पहले ही सब्जी जैसे कि जो मुझे बनाना रहता है ना वो कोशिश करती हूँ कि कट करके रख दूँ। तो आलू छील करके और पानी में डाल करके मैं रख दी थी, काटी तो नहीं थी, तो वही उठने के बाद आलू कट की हूँ। और आज जो मेरे घर में किचन में सब्जी बनने वाला है वो पहला बार बनने वाला है। यहाँ पे मुझे पता चला सिंगरी बोलते हैं, आप लोग बताइएगा आप लोग भी इसकी सब्जी खाए हैं कि नहीं। आगे मैं उसका जिस टाइप का दिखता है, अभी तो ये कटा हुआ है छोटे छोटे पीस में, रात में ही काट ली थी, आगे मैं दिखाऊंगी, थोड़ा सा क्लिप में ऐड कर दी हूँ, वीडियो बना ली थी किस तरीके का दिखता है। तो आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट करके कैसा बना। तो पहला बार ही मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ और मुझे इस सब्जी बनाने का उतना नॉलेज भी नहीं है, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा बन जाए। और सब्जी तो टेस्टी बना था, मगर वो होता है ना कि मन में डर लगा रहता है कि पता ना कैसा बनेगा, मुझे नहीं पता था ये सब्जी की, हाँ सब्जी इसकी कैसी बनती है कैसी नहीं। तो जो मेरे नीचे दीदी है ना जहाँ पे मैं रहती हूँ वो बताई थी कि इसका नाम सिंगरी है और इसकी सब्जी भी बनती है, तो मैं सोची कि चलते हैं भाई एक बार हम लोग भी ट्राई करते हैं, होता है ना। तो वही मैं उसी की सब्जी बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड बच्चे भी कह रहे हैं मम्मी इसकी सब्जी कैसी लगेगी, और हस्बैंड भी बोल रहे थे कि पता ना तो क्या क्या लाती है। तो मैं सोची कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो सीखना भी चाहिए, है कि नहीं, बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, एक ही बार ना बिगड़ेगा, होता है ना। वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। और बच्चे तो स्कूल नहीं गए थे, मतलब बारिश हो रही थी हल्की हल्की और जैसे ही 9 बजे 9:15 बजे तक बारिश छूट गई थी और इन लोगों का ना यूनिफॉर्म जो धोई थी मैं वो सूखा ही नहीं था, तो फिर मैं ही मना कर दी कि रहने तो स्कूल मत जाओ। पता है आजकल की जो बारिश होती है थोड़ा सा भी अगर भींच जाए तो तबीयत खराब होने लगता है, इसी वजह से मैं मना कर दी। और आप लोगों से ना मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखा करें गाइस। और जो लोग भी चैनल पे न्यू हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, बेल आइकन के साथ में ही सब्सक्राइब करें और एक दो लोगों जितना हो सके मतलब शेयर कर दिया कि ये मेरा चैनल मोनेटाइज तो हो गया है मगर वीडियो जो है नहीं चल रहा है, व्यूज काफ़ी कम आ रहा है, तो ना ही के बराबर समझिए, कुछ भी डॉलर पॉइंट कुछ भी नहीं बन रहा है, मतलब सब चीज़ डाउन ही जा रहा है, मैं क्या बताऊँ। और ये देखिए ये रही सिंगरी जिसकी मैं सब्जी बनाई हूँ, इस तरीके से दिखती है। अरे भी वही सब्जी मैं छौंक दी हूँ, पहले तेल डाली थी, जीरा प्याज वगैरह जैसे हम सब्जी बनाते हैं ना नॉर्मल, वैसे ही मैं भी बनाई हूँ और सब्जी तो टेस्टी लग रही थी और साथ के साथ में आटा भी लगा करके रख दी थी। और अभी गर्मा गर्म रोटी सेक दूंगी, एक तरफ सब्जी को चढ़ाती हूँ और हस्बैंड जी और सूरज दोनों कंपनी में ही जाएंगे, मतलब अपने काम पर जाएंगे और वहाँ प्लॉट का भी काम रुक ही गया, मंडे को काम नहीं लगा था बारिश की वजह से, तो वहाँ पर तो कोई नहीं जाएंगे, सब अपने ड्यूटी जाएंगे। तो फटाफट इन लोगों को बना करके मैं दे देती हूँ। और पता है गाइस मैं बहुत उम्मीद से और मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, उम्मीद कर मतलब यही रहता है कि कभी ना कभी तो चलेगा, कभी ना कभी तो सुधार आ ही जाएगा, मगर देखते हैं कब तक क्या होता है, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। अब तो मैं मन जो है ना वो मूड बना ली हूँ कि मैं वीडियो डालूंगी ही चाहे जो भी होए, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर दिया करें गाइस। और वीडियो देखने से कुछ भी नहीं जाएगा, मुझे पता है सब लोग बिजी रहते हैं, मगर थोड़ा सा समय निकाल करके प्लीज़ आप लोग वीडियो देख लिया कीजिए। और अभी ना नीचे ही आलू बेचने वाले आए थे तो मैं आलू ले ली हूँ, 50 के 4 किलो दे रहे थे तो मैं 100 रुपया का ले ली आलू, क्योंकि मेरे यहाँ तो दोनों टाइम सब्जी, मेरे यहाँ के सबके यहाँ सब्जी तो और आलू ज़्यादा ही खर्च होता है, तो इसी वजह से। और बारिश की वजह से ना पूरा रास्ता भी एकदम बेकार हो रहा है, किचकिच जैसा हो रहा है, तो मैं यहीं पे आलू ले ली और बाकी के सब्जी था मतलब प्याज टमाटर हरी सब्जी भी था, आलू ख़त्म हो गई थी
छोटे छोटे भी आलू थोड़ा सा रखे हुए थे, मगर छोटे वाले आलू पता है शाम में मैं बनाती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, क्योंकि उनको कट करने में छोटे वाले आलू को समय लगता है। और अभी मैं नहा करके आ गई हूँ, घर का सारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, और नहाने के बाद आई हूँ, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर और सिंदूर बिंदी लगा करके पूजा करूँगी और मंदिर जाऊँगी, स्वेटर पहन लेती हूँ, पहले पहनूँगी स्वेटर उसके बाद ही मंदिर जाऊँगी, क्योंकि ठंडी जो है ना लौट करके आ गई। ऐसे बीच में एकदम तेज़ तेज़ धूप निकल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ठंडी चली गई है, और अच्छा भी लग रहा था, कोई काम में मन भी लग रहा था करने में, और अभी ठंडी फिर से बढ़ गई है तो आलस वाला फिर से समय आ गया है। और अभी ना मैं अपने लिए नाश्ता बनाई हूँ पूजा वूजा करने के बाद, अब बना रही हूँ थोड़ा सा, एक चुकंदर भी काट कर डाली हूँ इसमें, चीला बना रही हूँ अपने लिए। तो पता है थोड़ा सा ना दही रखा हुआ था 1-2 चम्मच के करीब, तो उसी में मैं 1-2 चम्मच के करीब ही सूजी डाली थी और थोड़ा सा बेसन डाली थी, और फिर मुझे याद आया कि चुकंदर भी रखा हुआ है तो उसी में 1 चुकंदर भी कट करके डाल दे रही हूँ। तो इसी तरीके से मिला करके मैं अपने लिए 2 चीला बना ले रही हूँ यहाँ पे नाश्ते में। और कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा है ना, पिंक पिंक ऐसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो अच्छा लगता है और एक तरीके से हेल्दी भी हो जाता है। और सरसों के तेल में ही मैं डाल करके अपने लिए बना रही हूँ, 2 ही बनाई थी मैं, और फिर बाद में जब दीपिका का नज़र पड़ा तो कहने लगी मैं भी खाऊंगी। तो ये लोग देखिएगा अभी आगे, फिर राधिका बेसन का भी चीला बनाएगी, ऐसा हो सकता है कि ये लोग घर पे हैं और कुछ बनाने लगी है तो इन लोगों के लिए फिर बनाना ही पड़ता है। तो मुझे ना लेट हो रहा था, भूख भी लग रहा था ज़ोर से, तो फिर मैं बोली कि अब अपना खुद ही से बना लो, तो राधिका बना लेती है ऐसे छोटे मोटे जो काम है बोल देती हूँ तो कर लेती है। और इधर मेरा जो पिंक वाला जो चीला है वो बन करके रेडी हो चुका है, और उधर राधिका अपने लिए और दिव्यांशु के लिए और दीपिका के लिए, तीनों के लिए बेसन के लोग चीला बनाएंगे। और मैं चलती हूँ अपना नाश्ता करने। और ये देखिए लग गई मेरी प्लेट 2 चीला और हरी वाली चटनी आंवला और धनिया के पत्ते का, और थोड़ा सा मैं सॉस भी ली हूँ, और वही काली वाली कॉफ़ी बिना चीनी का। और अभी मैं सीधे मिल रही हूँ आप लोगों से, शाम के बज रहे हैं 4:45। मैं गई थी सिलाई सेंटर और वहाँ से आई तो कमरे का नज़ारा देख करके ना मेरा मूड ही ख़राब हो गया। बच्चे पता है क्या किए, सारा सामान इधर उधर फैला करके, ये लोग तो ट्यूशन गए हैं, और मैं जैसे सिलाई वाला भी सामान रखी थी, लेस वगैरह रखा हुआ था, वो सारा इधर उधर ये लोग फेंक करके गए, और ये कपड़े सूख गए थे तो वो तो उठा करके गए थे। तो मैं आते ही मैं सोची ना, अभी मुझे वीडियो भी एडिट करना है, वीडियो का भी काम करना है, तो मैं सोची कि ये घर ऐसे फैला रहेगा तो फिर करने में मन ही नहीं लगेगा, होता है ना। तो पहले मैं फटाफट आ करके और अपना थैला रखी हूँ, और सबसे पहले लग गई घर समेटने में। थोड़ा साफ सुथरा रहता है तो मन भी अच्छा लगता है और कोई काम में मज़ा भी आता है करने में, तो इसीलिए मैं पहले ये सारा समेटूंगी। और बिस्तर की भी हालत ये लोग ख़राब कर रखे हैं तो इसको भी झाड़ झूड़ करके थोड़ा सही कर दूंगी, और शाम की झाड़ू भी लगा दूंगी अभी मैं। और गाइस आप लोगों को ना वीडियो में जो भी कुछ कमी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है वो भी बताइएगा, और प्लीज़ सपोर्ट किया करें और शेयर ज़रूर करें, और न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, मतलब कि वही है, किचन भी फैला हुआ है तो किचन समेटूंगी, बर्तन वगैरह मांजूंगी। किचन का ऐसा है ना कि फिर सुबह मैं साफ की थी, मगर फिर वही चीला वाला बना था ना तो बच्चे थोड़ा सा फैला दिए हैं, और फिर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं ऐसे ही चली गई। तो अभी मैं अब क्लीन कर ले रही हूँ, होता है ना हर समय हम फ्री तो नहीं ना रहते हैं, तो वही बात है, थोड़ा सा मैं ब्लाउज वगैरह कट करने लगी थी, वो भी ज़रूरी होता है तो इसीलिए मैं छोड़ दी थी ऐसे ही, कभी कभी हो जाता है, मैं भी थोड़ा सा ना आलस कर जाती हूँ। आलस की बात नहीं थी, मतलब क्या हुआ ना, मेरे दिमाग से दम ही निकल गया कि हाँ किचन थोड़ा सा जो है वो गंदा हो गया है, उसको मुझे साफ करना है, तो अभी मैं साफ कर दे रही हूँ फटाफट। और ये सब काम करने के बाद किचन का, उसके बाद मैं वीडियो वगैरह एडिट करके अपलोड करूँगी, तब उसके बाद बनाऊँगी खाना।
और देखिए सीधे मैं मिल रही हूँ, शाम के बज रहे हैं, मतलब 7:30 बज गया। मेरा जो भी वीडियो का काम था, एडिट का, अपलोडिंग का, सारा काम हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ बनाने खाना। और खाने में बना रही हूँ कढ़ी चावल, सुबह की सब्जी भी रखी हुई है तो कढ़ी चावल हो जाएगा और सब्जी भी है। तो कढ़ी जो मैं बनाने जा रही हूँ ना, वो आलू वाली कढ़ी बनाऊँगी। हर समय ना बार बार पकौड़ी वाली कढ़ी, मतलब अच्छा तो लगता है मगर ज़्यादा फिर हो जाता है ना, है कि नहीं, तेल बेसन भी ज़्यादा लगता है। तो ये मैं आलू वाली ही बना दे रही हूँ, और आलू वालू बच्चों को सबको पसंद है, तो वही करना है। जैसे तड़का लगाते हैं कढ़ी में, वैसे तड़का लगाएंगे और आलू को पतला पतला कट करके डाल दी, उसको फ्राई करूँगी अच्छे से नमक डाल करके। और आज ना नमक डालते समय मतलब आँख में एकदम अच्छे से नमक चला गया, मैं तो एकदम परेशान हो गई। और अभी देखिए दीपिका आकर के बैठी हुई है किचन में, और दीपिका के पापा आ गए हैं लोगों के, तो उनको भूख लगा हुआ था, तो मैं थोड़ा सा चूड़ा रखा हुआ था उसी को इधर छोटे वाली कढ़ाई में फ्राई कर रही हूँ, मूंगफली का दाना डाल करके, यानी कि चूड़ा वाला नमकीन बना रही हूँ। और इधर कढ़ी में भी छौंका लगा दी हूँ, आराम से कढ़ी उबल रहा है। और दीपिका को मैं बोली थी चलाने के लिए, तो ये ऊपर जा करके बैठ गई है कढ़ी में, यहीं से चला दूंगी और हम दोनों की बातें चल रही है। और इसी के साथ आज का जो ब्लॉग है मैं करती हूँ एंड। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, बाय।